वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल चैम्प। सो गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में रिव्यू किया था अपने होममेड बेबलेट स्टेडियम का। सो गाइस, मैं आज की वीडियो में बनाने वाला हूँ एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर। तो गाइस, मैंने पहले से इसको बनाने के लिए इसके पार्ट्स काट के रखे, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ आपको इसको बनाने के लिए क्या क्या कैसे कैसे बनाना है, कैसे कैसे पार्ट्स काटने हैं। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको इस तरीके के पार्ट्स चाहिए एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर की। आप ऐसे ड्राइंग कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। तो उसके बाद आपको इन सबको साथ में चिपका देना है। मैं अभी आपको चिपकाने के बाद मिलता हूँ। सो गाइस, मैं इसको चिपकाने के लिए फेविकॉल का यूज़ कर रहा हूँ और किसी भी ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो तीन पीस हैं इनको अलग से लास्ट में चिपकाना है। आपको सबसे पहले इन तीनों को चिपकाना है। ये देख सकते हैं, इसके नीचे मैंने ऑलरेडी कार्डबोर्ड लगा दिया, पेपर से काटा था। और देख सकते हैं जो इसकी जो चिप है वो थोड़ी सी ये मोटी है एल ड्रैगो की, क्योंकि मैंने इस चिप को अलग से काट के उस पर कार्डबोर्ड लगा के फिर इसको इस पर लगाया है। तो अब हम सबसे पहले अपने एल ड्रैगो को चिपकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इन तीन पीसेस को चिपका लीजिए, मैं चिपकाने के बाद आपको मिलता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने इन तीन पीसेस को साथ में चिपका दिया है। और तो अब हमको इन तीन पीसेस को इस पे चिपकाना है। तो वो भी मैं आपको अभी चिपकाने के बाद मिलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको चिपका लिया, और इसको थोड़ा सा हम दबा देंगे क्योंकि इसके लिए हद से ज़्यादा मोटी हो चुकी है। और ये जो साइड का जो एक्स्ट्रा पीस है इसको काट देंगे। अब हमारी लेयर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसकी परफॉर्मेंस टिप बनाते हैं। तो परफॉर्मेंस टिप बनाने के लिए आपको इस टाइप के कार्डबोर्ड के पीसेस चाहिए। तो सबसे पहले आपको इन तीनों को आपस में, इन चारों को आपस में स्टिक कर देना है। मैं भी आपको स्टिक करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको आपस में स्टिक कर दिया है। तो अब हमको इसके ऊपर ये पीस लगाना है और उसके ऊपर ये पीस लगाना है। तो वो भी लगाने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको आपस में चिपका लिया है। तो अब इनको चिपकाने के बाद आपको कुछ इस टाइप का पीस चाहिए छोटा सा, जिसको हम इसकी टिप बनाएंगे। तो टिप चिपकाने के लिए आप फेविक्विक का यूज़ करते हैं। मैं अभी उसको लाता हूँ। तो आप देख सकते हैं फेविक्विक को मैं ले आया हूँ। तो अब इस टिप को मैं आपको इसके ऊपर चिपकाने के बाद मिलता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको फेविक्विक से चिपका दिया, बहुत ही अच्छे से स्टिक हो चुका है और यह अब स्पिन भी कर रहा है। तो अब जो ये पीस है और जो ये पीस है, अब हमारे दोनों पीस तैयार है। तो अब इसको इस तरीके से आपको चिपकाना है। मैं इसको फेविक्विक से चिपकाऊंगा ताकि ये बिल्कुल पक्का चिपके। तो मैं अभी आपको चिपकाने के बाद मिलता हूँ। सो गाइस, हमारा एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो यहाँ पे ब्लू पेंट कर सकते हो और यहाँ पे ब्लैक पेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ब्लू और ब्लैक पेंट नहीं है। और यह बहुत ही अच्छे से स्पिन भी कर रहा है। तो आपने देखा कितना इजी था हमारा एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर बनाना। आप भी ज़रूर बनाइएगा एक बार। और जो हमारा एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर है, ये पूरा का पूरा ही कार्डबोर्ड से बना है। इसमें कहीं पर कुछ और नहीं है, बस इसकी टिप ही प्लास्टिक की है। और ये लुक भी काफ़ी अच्छा दे रहा है वैसे, और ऊपर से तो बिल्कुल रियल एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर लग रहा है। तो बस इसके जो पीसेस हैं वो काटने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये बहुत ही इजी भी है बनाना इसे। तो आप देख ही सकते हैं कितनी इजीली ये स्पिन कर पा रहा है। तो अब जल्दी से इसका एक टेस्ट स्पिन कर लेते हैं अपने बेबलेट स्टेडियम में। तो हमारा बेस स्टेडियम ये है। इसको मैंने बनाने की वीडियो नहीं डाली है, पर अगर आप कहेंगे तो मैं डाल दूंगा एक बहुत ही आसान बेबलेट स्टेडियम बनाने की वीडियो। तो इसके टेस्ट स्पिन के लिए मैं इस टाइप का लॉन्चर यूज़ कर रहा हूँ। तो जल्दी से इसका एक टेस्ट स्पिन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये लॉन्चर है और बहुत ही बढ़िया लॉन्चर है, और इस टाइप से ये इसमें ईजिली फिक्स हो जाता है। सो 3 2 1 लेट इट वर्क। लॉन्चर से उतरा नहीं, कोई बात नहीं। हर पहले कार्डबोर्ड के बेबलेट में ये होता है एक दो बार कि वो लॉन्चर से उतरे ना, क्योंकि वो बिल्कुल हर बार पहली बार में लॉन्चर की शेप में नहीं आता है। इन 3 2 1 लेट इट।
देखिए एक बार और वही कांड, पर कोई बात नहीं, इस बार ये कांड बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हर बार नहीं होता, बस एक दो बार ही ऐसा होता है। 3, 2, 1 लेट इट। ये तो नीचे चल रहा है गाइस, पर बहुत ही स्पीड में चल रहा है, मतलब बिल्कुल बढ़िया लग रहा है चलते हुए। अभी आपको दिखाता हूँ मैं स्टेडियम में ही चला के। 3, 2, 1 लेट इट। उप्सी, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। यह जमीन पे बहुत ही अच्छा चला था, अभी भी उधर देख सकते हैं आप कितना अच्छा स्पिन कर रहा है। इसको लगता है पहले स्टेडियम में उतरने में शर्म आ रही थी, लेकिन अब सही है क्योंकि लॉन्चर में मैं इसको बहुत ही लाइट लगा रहा हूँ। ये कहाँ चला गया, यहाँ पे चला, बिल्कुल स्टेडियम के साइड में। पर लॉन्च हुआ था, बहुत ही अच्छे से लॉन्च हुआ था, लॉन्च में कोई दिक्कत नहीं आई थी इसके। देख सकते हैं फाइनली आप सबके सामने मैंने इसको चला ही दिया, और ये चलते हुए बहुत ही एपिक लुक दे रहा है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से चल भी रहा है, और स्टेमिना भी काफी अच्छा है हमारे एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर का। सो गाइस मुझे बताइएगा कि मैं अपनी अगली वीडियो में कौन से बेबलेट को बनाऊं, या फिर बेबलेट बनाऊं या फिर कुछ और, बस आप बता दीजिएगा। देख सकते हैं आप हमारा एल ड्रैगो डिस्ट्रक्टर, बहुत ही बढ़िया बेबलेट बना हमारा, आप भी बना सकते हैं बहुत ही इजी। अरे ये कहाँ उड़ गया मेरा एल ड्रैगो, ये गाइस किताब के ऊपर चल रहा है। 3, 2, 1 लेट इट। जमीन पे चल रहा है, स्टेडियम में चला रहा हूँ, लेकिन काफी अच्छा चल रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि रुके, अभी भी चल ही रहा है वो दूसरी जगह पे। देख सकते हैं अब रुक गया, दिखाने वाला था मैं आप सबको, दरअसल मेरे लॉन्चर में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। देख सकते हैं आप मेरा लॉन्चर थोड़ा सा यहाँ से आ गई थी इसकी रोप, इसलिए ये गड़बड़ हुई, टेबलेट के इसमें कोई गलती नहीं है। मेरा लॉन्चर बड़ा ही अलग सा हो रहा है। अब एक लास्ट टेस्ट स्पिन बिल्कुल यहीं पे लॉन्च करूंगा। मैं समझ गया कि ये लॉन्च क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं इसके लॉन्च होने से पहले ही लॉन्चर हटा रहा था। अब मैं इसको ऐसे लॉन्च करूंगा तो ये बिल्कुल सही लॉन्च होगा, इस बार मैंने ढंग से नहीं लगाया था इसलिए लॉन्च नहीं हुआ, पर कोई दिक्कत नहीं है हमारे एल ड्रैगो में। देख सकते हैं आप हमारे एल ड्रैगो जमीन पे चलता हुआ। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मैं चाह नहीं रहा था इतनी बड़ी बनाना, पर कोई बात नहीं, बन गई तो बाय गाइस, एल ड्रैगो भी आपको बाय बोल रहा है।